आपने एक संत की एक बहुत सुंदर एक प्रसंग सुना होगा। वो जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति अपने बैल को बुरी कदर से मार रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया बैल को मत मारो। बोले मेरा बैल है, मैंने खरीदा है, मैं चाहूं जैसा उपयोग करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। उन्होंने बोला कि नहीं मारो भैया, जानवर को, निरीह जानवर को, पशु को, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से मारना ठीक नहीं है। बहुत याचनाएं की, बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन वो जो बैल वाला था ना, वो बहुत निष्ठुर था, वो फिर से मारता चला गया। तो उन्होंने कहा संत ने, देखो तुम मारो, मारते हो ना तो मुझे पीड़ा होती है। तो उसने हंस के कहा, अच्छा मेरे बैल को मारने से तुझे पीड़ा होती है, देखता हूँ कैसे होती है। और एक जोर से एक चाबुक और मार दिया तो वो संत नीचे गिर गए। उनके पीठ पर उसी चाबुक का निशान था जो बैल पर मारा गया था। ये होता है दर्द को आत्मसात करना, किसी के दुख अपने दुख में मिला देना। ऐसा लगता है कि वो उसको नहीं हो रहा दुख, वो मुझे हो रहा है दुख। और अगर ये महसूस होने लग जाए कि किसी और का दुख आप महसूस कर रहे हैं, तो आप ये समझ लेना परमात्मा की कृपा आप पर होना शुरू हो गई है। और जब किसी का दुख दर्द दूर करने की चेष्टा हम करते हैं, तो सामने वाला भी प्रसन्न होता है और हम की हमारी प्रसन्नता भी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है, जब वो खुश होकर दुआएं देता है। अगर किसी का दुख दर्द दूर करने की भावना परम पूज्य कैलाश मानव जी जो मेरे पिता हैं उनके मन में नहीं होती, तो आप यहां नहीं बैठे होते। यहां इतने सारे बच्चों के ऑपरेशन नहीं हुए होते, यहां उनके दुख दर्द दूर नहीं हुए होते, यहां भरपेट भोजन मिलता है, कई लोगों को एक समय का भोजन भी ढंग से नहीं मिला, उन्हें यहां भरपेट भोजन मिला। किसी के दुख को दूर करना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी भक्ति है।